डंडई मुख्यालय के बिजली पावर हाउस के बगल में पेड़ के नीचे अवैध रूप से महुआ देसी शराब का कारोबार हर बुधवार को जोरों पर चल रहा है, जहां लगभग 20 से 30 दुकान अवैध रूप से हर बुधवार को पेड़ के नीचे व अरहर के खेत में संचालित किया जाता है, जहां करके जर्दे डंडई सहित विभिन्न गांवों के युवाओं को का जमावड़ा महुआ शराब पीने को लेकर लगा रहता है, जिससे आसपास के गांवों के बच्चों और नव युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शराब की दुकान के साथ साथ उक्त स्थानों पर दिन दहाड़े चखना पकाया जा रहा है, जिससे शराबियों को शराब पीने में उक्त स्थान पर और दिलचस्पी बढ़ गया है। करीब दिन के 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शराबियों का आवागमन का तांता रहता है। प्रत्येक बुधवार को शराब बेचने वालों में अधिकतर महिलाएं होती हैं। शराब बेच रही महिलाओं से पूछे जाने पर वे लोगों ने बताया कि महुआ शराब 50 रुपए प्रति गिलास बेचकर वह किसी तरह से अपना परिवार चला रही हैं। उक्त स्थल से सटा हुआ गांव के ग्रामीण मनीष चौधरी, गुड्डू चौधरी, महेंद्र राम, शशिभूषण मेहता, ललन कुमार, राम प्रवेश चौधरी, अखिलेश चौधरी, शिव चौधरी, नीरज चौधरी, मनोज चौधरी सहित अन्य ने बताया कि शराब की बिक्री से खासकर स्कूली बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं उस जगह पर कचरा फैलने से काफी पर्यावरण दूषित हो रहा है। साथ ही कहा कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण पावर हाउस के बगल में हर बुधवार को महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा है। यदि अगले बुधवार से बंद नहीं हुआ तो हम लोग पुलिस अधीक्षक से बंद कराने को लेकर गुहार लगाएंगे। अवैध महुआ शराब के कारोबार के संबंध में स्थानीय थाना प्रभारी राम अवतार ने बताया कि लिखित आवेदन के बाद अवैध रूप से चल रहे कारोबार को बंद करवा दिया जाएगा। भूषण मेहता, ग्राम डंडई। हमारे क्षेत्र में बिजली पावर हाउस के पास अवैध रूप से देसी महुआ शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वो रास्ता विद्यालय स्कूली बच्चों के आने जाने का है, जिससे कि उनके कैरेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि वे बच्चे दिन रात यही देखेंगे तो आगे चल के उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो सुअर का मांस दिन दहाड़े पकाया जा रहा है, उससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो कि बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। हमारे स्थानीय प्रशासन के चुप्पी के कारण ये अवैध शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अगर हमारी स्थानीय प्रशासन इस पर कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर इसे रोका जा सकता है। फिर भी यदि स्थानीय प्रशासन कुछ कार्रवाई इस पर नहीं करती है तो हम सभी ग्रामीण इसके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार हैं। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।